Hey, what's up, consumers? This is Prashant. आप देख रहे हो देसी कंज्यूमर। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम मेंत्रा और अजियो दोनों फैशन बेस्ड शॉपिंग साइट का कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों में से कौन सी शॉपिंग साइट बेस्ट है इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने दोनों में से किसी भी शॉपिंग साइट से शॉपिंग नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट वॉच है, आपको देखनी चाहिए। अदरवाइज वैसे भी बढ़िया होने वाली है वीडियो, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं। कहाँ पर ज्यादा ऑफर्स अवेलेबल है, कहाँ पर ज्यादा ब्रांड्स है, कहाँ पर ज्यादा कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल, डिलीवरी चार्जेस किसके क्या है, कौन फास्ट डिलीवरी करता है, सभी हम कवर करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो यहां पर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है, दोनों शॉपिंग साइट्स में से ज्यादा ब्रांड्स कहां पर अवेलेबल हैं। तो यहां पर मैंने जितना भी एनालाइज किया, जितना मैंने चेक किया दोनों शॉपिंग साइट पर, जितनी भी पॉपुलर ब्रांड्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैक एंड जोन्स, स्पाइकर्स, यूनाइटेड कर्स ऑफ बेनेटन, लिवाइस या लेविस जो भी आप बोलते हैं, नाइकी, एडिडास, प्यूमा या पूमा जो भी आप बोलते हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर, फ्लाइंग मशीन, गैप, जितनी भी पॉपुलर ब्रांड्स है और जिनके शोरूम्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, सभी आपको मेंत्रा और अजियो पर कॉमन देखने को मिलेंगी। सभी अवेलेबल है दोनों शॉपिंग साइट पर, लेकिन कुछ ऐसी ब्रांड्स है जिनका प्रोडक्ट आपको सिर्फ मेंत्रा पर देखने को मिलेगा, जैसे H&M हो गया, Forever 21 हो गया, रोगन हो गया और HRX हो गया ऋतिक रोशन का, ये कुछ ब्रांड्स है। इसके अलावा और भी ब्रांड्स है, तो उनके प्रोडक्ट्स आपको सिर्फ मेंत्रा पर देखने को मिलेंगे। अजियो पर ये ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर बहुत सी एक्सक्लूसिव पॉपुलर ब्रांड्स की वजह से मेंत्रा के पास ज्यादा ब्रांड्स है। अजियो पर भी कुछ एक्सक्लूसिव ब्रांड्स हैं, वो लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं है। तो यहां पर जो मेन मैं कहना चाह रहा हूं, जो ज्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं, वो मेंत्रा है। तो यहां पर ब्रांड्स के मामले में मेंत्रा विन करता है, मेंत्रा पर ज्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों शॉपिंग साइट्स में से किस शॉपिंग साइट पर ज्यादा कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो यहां पर देखा जाए, जो मेन है ये फैशन बेस्ड शॉपिंग साइट है, तो यहां पर जो हमारे शर्ट, टी शर्ट, जींस या फिर शूज, जितनी भी वेयरेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें दोनों शॉपिंग साइट पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेंत्रा पर आपको कॉस्मेटिक्स देखने को मिल जाएगा, फेस एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रूमिंग प्रोडक्ट, हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन, स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब चीजें अजियो पर अवेलेबल नहीं है। अजियो पर सिर्फ आपको फैशन बेस्ड चीजें देखने को मिलेंगी, इसके अलावा अजियो पर और कुछ अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर मेंत्रा पर ज्यादा कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो यहां पर भी मेंत्रा विनर होता है। पर नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों शॉपिंग साइट्स में से कहां पर ज्यादा प्रोडक्ट्स की कलेक्शन अवेलेबल है, जैसे नंबर ऑफ टी शर्ट मेंत्रा पर ज्यादा है या अजियो पर। यहां पर जो नंबर ऑफ टी शर्ट है मेंत्रा पर 90,000 के अराउंड है, 90,000 से अबव ही है, और वहीं बात करें अजियो पर 60,000 के अराउंड है, तो यहां पर 30,000 का फर्क आ गया। वहीं बात करें शर्ट्स की, तो यहां पर मेंत्रा पर 80,000 के अराउंड शर्ट्स अवेलेबल है, मेंस एंड वुमेन्स को मिलाकर मैं बोल रहा हूं, और अजियो पर 47,000 शर्ट्स अवेलेबल है। वहीं बात करें फुटवेयर की, मेंत्रा पर 67,000 के अराउंड फुटवेयर जो आइटम्स अवेलेबल है, वहीं अजियो पर 50,000 के अराउंड, तो यहां पर भी मेंत्रा आ गया है। और बात करें जींस की, मेंत्रा पर 37,000 के अराउंड जींस अवेलेबल है, मेंस वीमेंस की, और अजियो पर 15,000 के अराउंड अवेलेबल है। यहां पर जो मेंत्रा के पास ज्यादा कलेक्शन है अजियो के मुकाबले, तो यहां पर मैं कह सकता हूं ज्यादा ट्रेंडिंग, ज्यादा फैशनेबल आइटम्स जो है मेंत्रा पर अवेलेबल है, लेकिन ब्रांड वाइज अलग हो सकता है। कई बार क्या होता है, जो ब्रांड न्यू फैशन लॉन्च करती है वो अजियो को पहले लिस्ट कर देती है अपने प्रोडक्ट को, मेंत्रा पर नहीं आता है, ये मैंने बहुत बार चेक किया है, तो ये चीज अलग हो सकती है। वैसे ओवरऑल कलेक्शन ज्यादा मेंत्रा के पास है, तो यहां पर जो कलेक्शन के मामले में विनर है वो मेंत्रा है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों शॉपिंग साइट्स में से ज्यादा बढ़िया ऑफर्स कहां देखने को मिलते हैं। तो यहां पर मैंने ऑफर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक सेल के टाइम के ऑफर और एक रेगुलर डेज में ऑफर। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं सेल के टाइम के ऑफर्स की। तो यहां पर मेंत्रा का क्या सीन है, जब भी कोई बड़ी सेल आती है तो मेंत्रा के बहुत से कैंपेन स्टार्ट हो जाते हैं, गेम्स का कैंपेन होता है, गेम्स खेलकर पॉइंट अर्न करिए और उन पॉइंट से डिस्काउंट कूपन खरीदिए और सेल के टाइम पर हम उसको यूज कर पाएंगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। एक आता है इनवाइट योर फ्रेंड एंड अर्न मेंत्रा कैश, जो कि हम एक्स्ट्रा 10% सेल के टाइम पर यूज कर पाएंगे, और इनके अलावा पेमेंट ऑफर्स भी काफी बढ़िया हो जाते हैं कैशबैक और डिस्काउंट के। तो ये तीन ऑफर्स हो गए, और जब मेंत्रा पर सेल स्टार्ट होती है प्रोडक्ट के ऊपर 60-70% ऑफ मिल जाता है, ब्रांडेड आइटम पे मैं बोल रहा हूँ, इतना डिस्काउंट हो जाता है। और जब आप ये तीन ऑफर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो डिस्काउंट था वो 70-75% तक पहुंच जाता है ये एक्स्ट्रा ऑफर्स अप्लाई करने के बाद, अगर आप एक आइटम भी खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बल्क में खरीदना पड़ेगा तब अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, एक आइटम पे भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा सेल के टाइम पर। इसका मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा, उससे पहले बात कर लेते हैं
अजियो पर सेल के टाइम पर क्या ऑफर होते हैं। अजियो पर कोई ऐसा कैंपेन नहीं होता कि गेम खेलकर डिस्काउंट कूपन मिलेगा या फिर इनवाइट योर फ्रेंड एंड अर्न अजियो कैश, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ अजियो पर कूपन कोड्स का डिस्काउंट होता है और जो है पेमेंट ऑफर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अजियो पर जब भी कोई सेल आती है नॉर्मली क्या होता है कि अजियो कहता है अगर आप बल्क में खरीदेंगे ना तब आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे आप 2500 रुपए का कम से कम खरीदेंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो दूसरी ब्रांड्स भी है जो कि 1500 पर खरीदने पर हमें अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का कम से कम हमें जो है 2500 का खरीदना होता है तब हमें अच्छा डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पर अजियो का ये सीन हो जाता है, लेकिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेंगे ना तो वो अच्छे डिस्काउंट पर नहीं मिलेगा। कुछ कुछ मिल जाएंगे लेकिन नॉर्मली सब पर अच्छा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मिंत्रा पर एक्स्ट्रा ऑफर्स की वजह से मिंत्रा पर बेस्ट ऑफर्स होते हैं सेल के टाइम पर अजियो के मुकाबले। तो यहाँ पर अब आपको मैं मिंत्रा का सेल के ऑफर का प्रूफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मिंत्रा से मैंने लिवाइस की एक स्वेटशर्ट खरीदी थी जिसका MRP है 3200 रुपीज। रेगुलर डेज में मिलती है ये 2200 रुपीज की, सेल के टाइम पर इसका प्राइस हो गया था 1200 के अराउंड, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑफर्स लगाकर इसको मैंने खरीदा था 950 रुपीज में। तो यहाँ पर मैंने 71% ऑफ ले लिया था, जो कि मैं कहना चाहूंगा अभी तक का सबसे लोएस्ट प्राइस पे ये मैंने खरीदा होगा, ये मतलब कि इससे लोएस्ट प्राइस नहीं गया होगा। तो इस तरीके से मिंत्रा पर सेल के टाइम पर अच्छी डील बन जाती है अगर हम एक आइटम भी खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर अब बात करें रेगुलर डेज में मिंत्रा और अजियो के क्या ऑफर्स होते हैं। यहाँ पर रेगुलर डेज में मिंत्रा पर कोई बढ़िया तगड़ा ऑफर नहीं होता, मतलब बड़ी बड़ी ब्रांड्स पे मैक्सिमम 50% तक डिस्काउंट मिलता है रेगुलर डेज में। पेमेंट ऑफर मिल जाता है लेकिन डिस्काउंट ऑफर्स ज्यादा बढ़िया नहीं होता है मिंत्रा पर रेगुलर डेज में, जितना मैंने एनालाइज किया। वहीं बात करें अजियो पर, जो सेल के टाइम पर ऑफर्स थे अजियो पर बल्क में खरीदने पर हमें डिस्काउंट कूपन जो है अप्लाई करने को मिल जाते हैं, वही हमें रेगुलर डेज में भी सेम ऑफर्स देखने को मिलेंगे बल्क में शॉपिंग करने का, जो है एक्स्ट्रा 500-1000 रुपीज का डिस्काउंट। और ये हमेशा चलता रहता है, अभी भी अजियो पर एक ऑफर चल रहा है कि अगर हम 1250 रुपए की शॉपिंग करते तो हमें एक्स्ट्रा 500 रुपीज का फ्लैट ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पर रेगुलर डेज में अजियो बेस्ट है शॉपिंग करने के मामले में, अगर आप एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट भी खरीदते हैं किसी बड़ी ब्रांड का। यहाँ पर मैं आपको एक प्रूफ या फिर एग्जांपल शो करना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अजियो पर रेगुलर डेज में यूनाइटेड कर्स ऑफ बेंटन के जो शूज हैं इन पर 70% ऑफ मिल रहा है। वहीं सेम टाइम पर मैंने मिंत्रा पर चेक किया, सेम शूज मिल रहा था 1800 रुपीज का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के बीच में जो रेगुलर डेज में प्राइस डिफरेंस आ जाता है। और ये सिर्फ इस शूज पे नहीं है, अगर आप दूसरे भी शूज देखेंगे अलग ब्रांड्स के देखेंगे तो आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अजियो रेगुलर डेज में बहुत अच्छे डिस्काउंट दे देता है, जितना कई बार वो सेल के टाइम पर भी नहीं देता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा सेल के टाइम पर मिंत्रा बेस्ट है ऑफर्स के मामले में और रेगुलर डेज में अजियो बेस्ट है ऑफर्स के मामले में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी शॉपिंग साइट कितने रुपए की शॉपिंग करने पर डिलीवरी चार्ज नहीं लेती है। तो यहाँ पर अगर मिंत्रा पर 799 रुपीज से नीचे की शॉपिंग करते हैं 99 रुपीज डिलीवरी चार्ज है, अजियो से 1199 रुपीज से नीचे की शॉपिंग करते हैं 99 रुपीज डिलीवरी चार्ज है। तो यहाँ पर अजियो का जो मिनिमम कार्ट वैल्यू है डिलीवरी चार्ज फ्री करने के लिए वो ज्यादा है, लेकिन अजियो पर हमेशा एक कोड चलता रहता है फ्री डील करके, जो कि हम 699 या फिर उससे ऊपर की शॉपिंग करते हैं तो फ्री डिलीवरी हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर दोनों का सेम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मिंत्रा पर एक कंडीशन है डिलीवरी चार्ज को लेकर। तो यहाँ पर मिंत्रा से आपने प्रोडक्ट खरीदा, डिलीवरी चार्ज पे किया, जब आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे आपको डिलीवरी चार्ज वापस नहीं मिलेगा। तो ये मिंत्रा पर कंडीशन है, लेकिन अजियो पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ इस पॉइंट की वजह से अजियो बेस्ट है डिलीवरी चार्ज के मामले में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है दोनों शॉपिंग साइट्स में से कौन सा प्रोडक्ट को फास्ट डिलीवर करती है। वैसे ये चीज डिपेंड करती है सर्कमस्टांसेस पर और जो कस्टमर की लोकेशन कितनी दूर है इस पर डिपेंड करती है। वैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं कौन फास्ट करता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, यहाँ पर मिंत्रा की खुद की कुरियर सर्विस है, लेकिन अजियो दूसरी कुरियर सर्विस को यूज करती है, फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी। तो यहाँ पर मिंत्रा की खुद की कुरियर सर्विस होने के कारण मिंत्रा फास्ट डिलीवर करता है मुकाबले के अजियो। अजियो को तो मतलब मिनिमम 3 डेज लगते ही लगते हैं, 4 दिन भी लग जाता है कई बार, लेकिन ऑर्डर करने के अगले दिन या उससे अगले दिन कभी भी मुझे डिलीवर नहीं हुआ। लेकिन वैसे मिंत्रा कई बार नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे में डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा नॉर्मली मिंत्रा की फास्ट है अजियो के मुकाबले, तो यहाँ पर भी मिंत्रा जो है विन करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी शॉपिंग साइट पर ज्यादा पेमेंट मेथड्स अवेलेबल है। यहाँ पर मिंत्रा और अजियो पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अवेलेबल है, नेट बैंकिंग अवेलेबल है, UPI अवेलेबल है। तो ये सब चीजें दोनों शॉपिंग साइट पर सेम अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर बात करें ई वॉलेट की, अजियो पर टोटल 3 ई वॉलेट अवेलेबल है, एक खुद का ही उसका जियो मनी, लेकिन मिंत्रा पर अभी तक इंडिया में जितने भी ई वॉलेट है सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास वाइड चॉइस हो जाते हैं जो भी आप ई वॉलेट
प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं वो आप मिंत्रा पर पे कर सकते हैं, और उनके ऑफर्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं मिंत्रा पर। और वहीं बात करें गिफ्ट कार्ड की, तो मिंत्रा पर गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, अजियो पर कोई गिफ्ट कार्ड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा मिंत्रा विनर है पेमेंट मेथड के मामले में भी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी शॉपिंग साइट रिफंड फास्ट देती है हमारा। तो यहाँ पर मैंने जब लास्ट मंथ जो है ऑर्डर किया था प्रोडक्ट, उन दोनों को मैंने रिटर्न भी किया था जस्ट यही चेक करने के लिए कौन रिफंड फास्ट देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कैश ऑन डिलीवरी मेथड से पेमेंट करना चाहा था, मिंत्रा पर कैश ऑन डिलीवरी हो गया था, लेकिन अजियो पर नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी की वजह से कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने पेटीएम से पेमेंट की थी। तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट मिलते ही मैंने अगले दिन दोनों रिटर्न के लिए लगा दिया। जहां पर मैंने मिंत्रा पर सीओडी किया था तो मुझे अपनी बैंक डिटेल्स फिल करनी थी तो मेरे बैंक में रिफंड आएगा, और अजियो पर मैंने पेटीएम से की थी तो मेरे पेटीएम पर आएगा। तो यहाँ पर मैं रिफंड की बात करूं, जिस दिन मैंने प्रोडक्ट को रिटर्न किया उसी दिन रात के 12 बजे से पहले पहले मुझे दोनों की तरफ से रिफंड मिल गया था। तो अगर यहाँ पर ई वॉलेट से अगर आप पेमेंट करते हैं तो रिफंड काफी फास्ट आता है, मतलब कि कई बार आधे घंटे में भी रिफंड मिल जाता है, और कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो भी बैंक अकाउंट में फास्ट आ जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं ना, दोनों शॉपिंग साइट पे कह लीजिए, तो वहां पर 7 to 8 days लग जाते हैं कई बार, सिर्फ क्रेडिट कार्ड में डिले देखने को मिला मुझे जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। अदरवाइज मैं कहना चाहूंगा दोनों फास्ट रिफंड कर देते हैं हमारे पैसे। तो ये थे सारे पॉइंट जितने मैंने कवर किए। तो यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करना चाहूंगा। यहाँ पर आफ्टर परचेज ऑफर भी अवेलेबल है आजकल शॉपिंग साइट पर, जैसे फ्लिपकार्ट पर फ्लिपकार्ट सुपर कॉइंस मिलते हैं, वैसे ही मिंत्रा पर मिंत्रा इनसाइडर करके कैंपेन चलता है, और अजियो पर अजियो कैश करके कैंपेन चलता है। तो यहाँ पर अगर हम मिंत्रा से 100 रुपए का कुछ खरीदे तो हमें मिंत्रा के 10 insider points मिलेंगे 10% के हिसाब से। वहीं अगर हम अजियो से शॉपिंग करते हैं तो हमें अजियो का 10% कैश मिलता है। अब यहाँ पर बात करें इनका यूज क्या, क्या किसका ज्यादा बेनिफिट है। तो यहाँ पर मिंत्रा इनसाइडर पॉइंट जो हमें मिलते हैं उनकी सबसे पहली चीज 1 साल की एक्सपायरी डेट होती है, और मिंत्रा इनसाइडर पॉइंट्स को हम मिंत्रा के गिफ्ट कार्ड या फिर कूपन कोड खरीदने में यूज कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, और या फिर किसी दूसरी शॉपिंग साइट या फिर फॉर एग्जांपल गाना प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो हम मिंत्रा इनसाइडर पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो ये इनके बेनिफिट्स हैं। वहीं अजियो कैश जो मिलता है उनकी एक्सपायरी डेट जो है 1 to 2 महीने की रहती है, और उसको हम अजियो पर नेक्स्ट शॉपिंग पर यूज कर सकते हैं 5 to 10%। तो यहां पर मुझे अजियो कैश का सिस्टम इतना बढ़िया नहीं लगा जितना मिंत्रा इनसाइडर पॉइंट्स का। तो यहां पर भी जो मिंत्रा है विन करता है बेस्ट है इस मामले में भी। तो यहां पर अब बात करें एक और पॉइंट की, प्रोडक्ट रेटिंग की। तो मिंत्रा पर हमें प्रोडक्ट रेटिंग देखने को मिल जाती है लेकिन अजियो पर प्रोडक्ट रेटिंग अवेलेबल नहीं है। तो इस मामले में भी कहना चाहूंगा मिंत्रा बेस्ट है क्योंकि इस पे हमें प्रोडक्ट की रेटिंग भी देखने को मिलते हैं जो कि अजियो पर अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर मैंने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया जिनके बेसिस पे मिंत्रा और अजियो के बीच में कंपैरिजन हुआ है। तो यहां पर बात करें विनर की, तो यहां पर जो विनर है साफ साफ जो है मिंत्रा है ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में, लेकिन अजियो भी कुछ पॉइंट में बेस्ट है मिंत्रा से। और यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मिंत्रा 2007 में लॉन्च हुई थी 14 साल पहले, और अजियो 2016 में लॉन्च हुई है 4 साल पहले। अगर देखा जाए 4 साल में अजियो ने काफी ज्यादा ब्रांड्स को अपने अंदर कवर कर लिया, मतलब कि काफी तगड़ी टक्कर दे रहा है मिंत्रा को डिस्काउंट के मामले में, ऑफर्स के मामले में। अभी बहुत सी चीजें जो है कम है अजियो पर, लेकिन आने वाले टाइम में और भी तगड़ी टक्कर होने वाली है। तो यहां पर एंड में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप शॉपिंग करें मिंत्रा और अजियो पर प्राइस चेक करके शॉपिंग करें, क्योंकि जो कॉमन ब्रांड्स है सेम जो है आइटम अवेलेबल होगी लेकिन अजियो पर मिंत्रा से ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है रेगुलर डेज में। ये बात आप हमेशा दिमाग में रखेगा, और ये चीज मैं हर बार बोलता हूं जब भी इस टाइप की वीडियो बनाता हूं। बाकी आपका क्या व्यू है मिंत्रा और अजियो को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो यहां पर करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, ये बताइएगा क्यों अच्छी नहीं लगी। तो यहां पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।